हम सभी जब ईमेल भेजते हैं, जिसको भेजते हैं क्या कोई उसको बीच में पढ़ पाता है या पढ़ सकता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की। इनक्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है, इसके अलावा इनक्रिप्शन काम कैसे करता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों बात आती है इंक्रिप्शन की। दोस्तों जब से इंटरनेट आया तब से इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ी। इंक्रिप्शन सब इंटरनेट से नहीं है, इंक्रिप्शन का मतलब यहाँ पर डाटा से है। हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है इंक्रिप्शन। अब बात इंक्रिप्शन की कैसे। दोस्तों जब भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी अपना इम्पोर्टेंट डाटा रखते हैं तो हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल से या लैपटॉप या कंप्यूटर से चुरा न ले। तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कैसे डाटा सिक्योर करते हैं, सुरक्षित करते हैं, इस पर मैंने ढेर सारे वीडियोज बनाए हुए हैं। आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। और ठीक, जब भी हम लोग कोई अपने इंपॉर्टेंट डेटा को मोबाइल या कंप्यूटर में रखते हैं तो कोई उसे चुरा न सके, इसी को सिक्योर करने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंक्रिप्शन कहते हैं। तो डाटा को सिक्योर करना कोई नई बात नहीं है। हम सभी ने साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के बारे में सुना होगा। इसका संबंध इंक्रिप्शन से ही है। जैसे हम लोग कोई भी ईमेल भेजते हैं तो उसे बीच में कोई नहीं पढ़ पाता है। जब भी हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कोई ईमेल भेजते हैं तो वह इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, ताकि भेजने वाले को, जो भेजता है और जो रिसीव करता है, दोनों के अलावा और कोई भी इसको न पढ़ सके। जैसे कोई दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं, जब आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप ढेर सारे डिटेल्स को भरते हैं, इंफॉर्मेशन को भरते हैं, लेकिन यह आपका सिक्योर रहता है। और किसकी वजह सिक्योर रहता है? इंक्रिप्शन की वजह से। और कोई इसको नहीं पढ़ पाता है, कोई आपका पेमेंट नहीं चुरा सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त फिल करते हैं वह हमारा सिक्योर रहता है, वह सिक्योर रहता है इंक्रिप्शन की वजह से। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, जब हम लोग किसी को चैट करते हैं, किसी को मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, तो जिसने भेजा है और जिसको प्राप्त हुआ केवल वही दोनों लोग मैसेज को पढ़ सकते हैं, बीच में कोई भी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी से फर्स्ट टाइम चैट करते हैं तो आप देखते होंगे कि ऊपर लिखा रहता है कि मैसेज लिखा रहता है जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में ये बताया जाता है कि यह जो भी आप चैट कर रहे हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। मतलब ये कि जब हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो वह सिक्योर रहता है, इनक्रिप्ट रहता है, और जिसको हम लोग भेजते हैं जब वो रिसीव करता है तब वहां जाकर के वह डिक्रिप्ट हो जाता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इनक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिक्रिप्शन की। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, डिक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्शन का उल्टा जो होता है वह डिक्रिप्शन होता है, मतलब उसको डिक्रिप्ट करना, डिकोड करना। इसका इस्तेमाल हम लोग इनक्रिप्शन किए गए डाटा को वापस लाने के लिए डिक्रिप्ट करते हैं। जैसे डिक्रिप्शन का हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को, किसी को भी MS Word या Excel की एक फाइल भेजा, उसके अंदर पासवर्ड लगाकर भेज दिया। अब आप उसे भेज दिए हैं तो लेकिन वो खोल नहीं सकता है जब तक कि आप उसे पासवर्ड नहीं बताएंगे। जैसे आप उसे पासवर्ड बताएंगे तो वह उसे खोल सकता है, क्योंकि आपने डिक्रिप्ट कर दिया, पासवर्ड बता दिया। दोस्तों अब बात आती है इंक्रिप्शन काम कैसे करता है। इंक्रिप्शन को लेकर के अलग अलग तरह से एल्गोरिदम है जो कि अलग अलग तरह से काम करता है। एक बेसिक जानकारी के लिए हम समझ लेते हैं कि जो भी हमारा डाटा होता है वह एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे केवल मशीन भाषा पढ़ सकती है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। इंक्रिप्शन करते समय डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, बदलाव कर दिया जाता है और कुछ इसी तरह वापस लाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बीच में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।